सभी पदाधिकारी का प्रतिदिन की गतिविधि, वो क्या कर रहे हैं, उनके पार्टी के साथ क्या गतिविधि है, और उनका मूल्यांकन, उसी मूल्यांकन के हिसाब से उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। जो अच्छा प्रदर्शन करेगा, बेहतर काम करेंगे, उनको हम लोग निश्चित रूप से प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तमाम पार्टियां लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पार्टी को मजबूत बनाने के लिए। वहीं जेडीयू भी एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रही है, मूल्यांकन ऐप लाने जा रही है, जिसके तहत तमाम पार्टी के नेता और पदाधिकारियों के गतिविधि यानी मूल्यांकन ऐप के दौरान तमाम चीज़ें जो हैं वो देखी जाएगी कि पार्टी के नेता और पदाधिकारी पूरे दिन का उनका गतिविधि क्या है, पार्टी को लेकर के उनकी गतिविधि क्या है, और एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाना है, जिसको लेकर विस्तार रूप से जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा बता रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप वो सुनिए। देखिए, पार्टी ने लंबे विमर्श के बाद पार्टी के काम करने का जो तरीका है, जो परंपरागत तरीका है, उसमें बदलाव लाया है, और उसी के तहत पार्टी ने लोगों से जुड़ने का और अपने पदाधिकारियों को हर दिन का गतिविधि को जानने के लिए पार्टी ने एक मूल्यांकन ऐप लाया है, और मूल्यांकन ऐप के माध्यम से जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे राज्य स्तर के पदाधिकारी हैं या जिला स्तर के पदाधिकारी हैं या हमारे प्रखंड के पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारी का प्रतिदिन की गतिविधि, वो क्या कर रहे हैं, उनके पार्टी के साथ क्या गतिविधि है, और उनका मूल्यांकन, उसी मूल्यांकन के हिसाब से उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। और जो हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनका प्रतिदिन शाम के शाम उनके मैंने जो हमारे जो ऐप है उस ऐप पर अपलोड किया जाएगा, और उस मैंने यहाँ जो हमारे जो प्रदेश इकाई हैं, प्रदेश इकाई की जो हमारी टीम है, उस टीम को हम लोग गठन कर रहे हैं, उस टीम उस पर निगरानी रखेगी कि हर दिन हमारे पार्टी के कौन सा पदाधिकारी कहाँ पर क्या वर्क कर रहे हैं, उनकी अपनी जवाबदेही जिम्मेवारी किस तरह से निर्वहन कर रहे हैं, यही है मेन इसमें। देखिए, वो तो हम लोग इसको ला ही रहे हैं, और उसको हम लोगों ने लंच अभी नहीं किया है, हम लोगों ने टेस्ट कर लिया है, और टेस्ट करके निश्चित रूप से जब हमारे जब शीर्ष नेता माननीय आदरणीय सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू जब उसमें समय दे देंगे, जब हमारे माने उसका जो जब ला देंगे हम लोग, नहीं तो फिर निश्चित रूप से हम लोग उसका मूल्यांकन करके उसको रिपोर्ट का तैयार होगा। जो अच्छा प्रदर्शन करेगा, बेहतर काम करेंगे, उनको हम लोग निश्चित रूप से प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। तो आपने सुना, रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, तमाम जेडीयू के नेता और पदाधिकारियों का, वो पूरा दिन पार्टी को लेकर उनकी गतिविधि क्या है, पूरा दिन उनकी एक्टिविटी क्या है, इन पर नज़र रखी जाएगी, पार्टी को किस तरीके से मजबूती मिले, जिसको लेकर ये पहल की जा रही है, मूल्यांकन ऐप लाया जा रहा है, और तमाम चीज़ों पर अब जेडीयू के बड़े नेता नज़र रखेंगे कि कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए और आने वाले समय में जेडीयू को किस तरीके से पुनः एक बार उभारा जाए, क्योंकि जेडीयू जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में सीधा कह सकते हैं कि एक डाउनफॉल जो है जेडीयू का देखा गया, मगर अब जेडीयू जो है वो कमर कस चुकी है, और कहीं ना कहीं मूल्यांकन ऐप के थ्रू पार्टी को मजबूत करने के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट भी कर रही है। खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।